हमीरपुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं, मंजीत सहगल। मंजीत, हमीरपुर में क्या क्या तैयारियां है, वहां पर कितने आदर्श बूथ बनाए गए हैं, क्या तैयारियां वहां पर है? देखिए, हमीरपुर हो या कांगड़ा हो, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। जो पड़ोसी राज्यों के साथ लगने वाली सीमाएं उनको सील कर दिया गया है। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जैसा कि मेरी सहयोगी कमलजीत बता रही थी कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हैं वो शांतिप्रिय तरीके से होते हैं, लोग भोले भाले हैं, तो इस तरह की कई घटनाएं, अप्रिय घटनाएं यहाँ पर देखने सुनने में नहीं मिलती। लेकिन फिर भी प्रशासन चाक चौबंद रहता है और सुरक्षा हो या फिर दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तैनाती है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। अब की बार भी बाकायदा, चाहे वो जिला स्तर पर हो या फिर तहसील स्तर के मतदान केंद्र हो, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तैनाती है और आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी गई है। पिछले दिनों के दौरान करोड़ों की संख्या में धनराशि भी जब्त की गई है और शराब, अवैध शराब भी जब्त हुई है। तो प्रशासन अपनी तरफ से चौकस है। और जहाँ तक आज के मतदान की बात है, हमीरपुर हो या फिर कांगड़ा, कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, 15 यहाँ से जो असेंबली सेगमेंट्स है और कहते हैं कि यहीं से सरकार बनाने का रास्ता निकलता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 15 में से 11 सीटें जीती थी, अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपनी साख बचाने की बात है। और वहीं कांग्रेस भी खूब जोर आजमाइश कर रही है, एक रिवाज के मुताबिक जो इनकमबेंट गवर्नमेंट होती है। आपके पास लौट रहा हूं मंजीत, हमारे साथ मौसमी सिंह भी जुड़ गए हैं और कमलजीत संधू भी हमारे पास है। मौसमी, मैं आपके पास लौटने से पहले, कमलजीत तो इस वक्त मंडी में है और मंडी से ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आते हैं, मंडी का बड़ा प्रभाव वहां की पॉलिटिक्स पर देखने को मिल रहा है। कमलजीत, सबसे पहले तो तैयारियां ही आप बताएं कि आज के वोट डालने से पहले क्या क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं, पोलिंग स्टेशन पर क्या तैयारियां हैं, कैसे मतदान प्रतिशत बढ़े इसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, इस वक्त हम तांडी में हैं जो कि सीएम का घर आपको पीछे दिखा देते हैं। यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन हमने पूछा कि अंदर पूजा पाठ चल रही है। और आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पे कुल देवता और देवतियों को माना जाता है, तो ये जो पूजा है कल रात को भी हुई है, काफी देर रात तक लोगों से मिलना हुआ। लेकिन अब अग्नि परीक्षा की बारी है, क्योंकि हर बार रिवाज के मुताबिक जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया है, उनके लिए नहीं वोट दिया है। सो 1985 से तो यही ट्रेंड चल रहा है कि एक बार बीजेपी आती है तो एक बार कांग्रेस आती है। जैसे मंजीत सहगल कह रहे थे कि किस तरह कांगड़ा, लेकिन कुल मिला के देखे जाए तो तीन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट है मंडी का, शिमला का, कांगड़ा का। कांगड़ा में 15 सीटें हैं जिसमें 2017 में काफी भारी बहुमत से बीजेपी आई थी। वहीं मंडी जो कि इलाका है मुख्यमंत्री का, वहां पे 10 सीटें हैं, तकरीबन 9 सीटें जो है वो बीजेपी को आई थी, इंडिपेंडेंट था जिसने फिर बाद में बीजेपी शामिल कर दिया, तो 10 के 10 पर परचम भाजपा का लहराया था। उसके बाद शिमला में 8 सीटें हैं और इस वक्त भी अगर हम बात करें कांटे की टक्कर है, क्योंकि कई लोग साइलेंट वोटर्स हैं। वन रैंक ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी ओर बात करें, एप्पल फार्मर्स काफी नाराज हैं, वो काफी देर तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। जीएसटी को लेकर 18% टैक्स लगाया गया, उसके बाद लुभावने वादे किए गए पार्टियों की तरफ से कि जीएसटी का कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। तो इस तरह से बातें चल रही है, लेकिन क्योंकि कांटे की टक्कर, आपको बता दें यहाँ पे भी कुछ आसान नहीं होगा। खास तौर पे जो बागी दावेदार हैं उन्होंने काफी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। भाजपा के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 21 इस तरह के कैंडिडेट्स हैं। कुछ लोगों को मना लिया गया, बड़े बड़े लोगों ने उनको कॉल तक किया। यहां तक बात आ रही है कि एक प्रत्याशी है जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कॉल किया था। दूसरी ओर कांग्रेस का भी नहीं है, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स है, साथ में उनके पास भी कम से कम 4 बागी तो हैं ही। तो यहां पर प्रतिद्वंदी जो हैं वो कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं पर बनाम बागी भी हैं, तो ये एक फैक्टर है। आम आदमी पार्टी तो काफी पीछे पिछड़ता नजर आ रहा है। तैयारी पूरी मुकम्मल है, आपको बता दें कि 25,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। बागी और एक तरफ नहीं है, बागी हर पार्टी में है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें बीजेपी के सामने खड़ी हो रही है, आप बता रहे हैं। शिमला का रुख कर लेते हैं, मौसमी हमारे साथ हैं। मौसमी, 8 सीटें हैं, इसमें शिमला ग्रामीण की सीट भी आती है, पूर्व सीएम के बेटे यहां से चुनावी मैदान में। शिमला में, इस पूरे जिले में क्या क्या तैयारियां? जूले नमस्ते नमस्कार, हिमाचल चावे तो इथरा हो जाए। हम हिमाचल आए हैं तो हम भी हिमाचल के ही हो गए हैं। और आप देखिए यहाँ पे जो वोटर्स है वो कम से कम
ये बात जरूर है कि आपको बिल्कुल इम्प्रेस करते हैं, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो बहुत जागरूक है। हमने देश भर में राजीव चुनाव कवर किए हैं और यहाँ पे जो मुद्दों की बात हो रही है, ना धर्म है ना जाति है, कोई बंटवारे या कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं है जो हिमाचल से जुड़े नहीं है, जैसे कि कमल ने भी बताया। और हम लोग है रामपुर में, जो कि शिमला में ही आता है, या अपर शिमला का इलाका है। एक लंबे समय तक अपर शिमला वर्सेस लोअर शिमला की राजनीति होती रही, कई मुख्यमंत्री अपर शिमला से आए। वीरभद्र सिंह, ये उनका घर है और उनका गढ़ है, और लगातार यहाँ पे जो रामपुर की सीट है रिजर्व्ड है, इसलिए वीरभद्र सिंह यहाँ से नहीं लड़ते थे। और ये सीट लगातार कांग्रेस की रही, एक दो उठापटक के अलावा। तो जाहिर बात है, क्योंकि जब वीरभद्र की विरासत पर पूरा चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये सीट और शिमला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि 2017 में भी जब कांग्रेस ने सत्ता से बाहर गई थी और बहुत खराब प्रदर्शन रहा था, तो कांगड़ा और मंडी में सबसे ज्यादा भाजपा की सीटें आई थी, और यहाँ पे वोट प्रतिशत बनाम बाकी इलाकों के कांग्रेस का फिर भी ठीक ठाक था। तो बहरहाल आप देखिए कि कितना खूबसूरत हिमाचल है, और यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, पर्व चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे वोटिंग होनी है, और यहीं पर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य वोट भी डालेंगे। बुशहर वो रियासत है जिसके राजा थे वीर भद्र सिंह, और एक वो लोकतंत्र में भी जो विरासत की सियासत है वो लगातार कहीं ना कहीं बरकरार रही। तो देखना होगा कांग्रेस के लिए क्या कांग्रेस कमबैक कर पाती है या नहीं, पर बहरहाल जीत वोटरों की होगी राजीव, क्योंकि हिमाचल के वोटर मुद्दों की बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जानकारी है। राष्ट्रवाद का भी मसला आ रहा है और स्थानीय मसले भी बहुत हावी हैं। देखना होगा कि कैंडिडेट्स पर वोटर्स जो हर बार की तरह ज्यादा जाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी की जो चुनावी कैंपेन रही है उसका असर होगा। बिल्कुल, इस पर नजर रहेगी। आप सभी हमारे साथ बने रहे तो हिमाचल प्रदेश में आपसे तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट के बाद वोट डालना शुरू हो जाएगा। 8 बजे से मतदान केंद्रों पर जो वोटर्स हैं वो पहुंचने में शुरू